नई नई शादी हुई है तुम्हारी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत? मैं कई दिन से परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मुझे देख लिया, बहुत इमरजेंसी है। अबे चुप रह, इमरजेंसी है देख ना रहा, दूसरा मरीज बैठा, बाल पर नंबर आ तेरा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बहुत उल्टी आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे दवाई दे दो। अच्छा उल्टी आ रही है? हाँ। अरे डॉक्टर साहब देख लो यार, बहुत इमरजेंसी है। अबे चुप रह, गाल पे इतनी तेज मारूंगा, दिख नहीं रहा दूसरा मरीज बैठा। चलो तुम पेट ऊपर करो, मेरा मतलब कपड़े ऊपर करो, चेक करूंगा दोबारा। तुम तो प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? तुम्हारे दिमाग में कमी है, है? पागल लड़की। अरे जब उल्टी आती है ना तो इंसान प्रेग्नेंट होता। अबे इनमें सनसनाहट भी ना रही यार, क्या बात है? लाइन कट हुई, एक महीना हो गया, सनसनाहट भी 15 दिन आया बस। बेइज्जती कर रहा है, बता रहा। तो करवा दो जमा बिल। करवाऊंगा, चल ठीक है। जल्दी जा, तू एक काम कर, इधर उधर से पैसे उधार लेके बिल जमा करके आ। कहाँ से लूँ उधार? अबे जा। बताइए डॉक्टर साहब, पेट में कोई दिक्कत ना? पेट में दिक्कत ना तो दिक्कत किधर है फिर? दाढ़ में कीड़ा लग गया। कीड़ा लग गया? क्लियर है कीड़ा लग गया? हाँ क्लियर है। कितना बड़ा? अरे डॉक्टर साहब तुम देखो यार ना, कहता है ऐसा आजा, तू नहीं छोड़ा, मजाक के मूड में ना, पूरी दाढ़ खा गया, जल्दी चेक करो। और तू तो मेरी भाभी है, तो मजाक करूंगा, दिखा चल दिखा, अभी देखूंगा तेरा दाढ़ का कीड़ा, बिल्कुल टेंशन बन दे थी। तो ऊपर वाली दाढ़ में है भी कीड़ा, ये तो ऊपर की दाढ़ निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ऊपर की दाढ़ मत निकालना, नीचे की निकालो। नीचे की? क्यों भाई? क्योंकि कीड़ा नीचे से होगा गया होगा ना ऊपर। बात तो सही है, चल फिर अंदर, ऑपरेशन होगा तेरा। डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। कल देखो जल्दी कल। हाँ ज्यादा तेज दर्द है? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी चेक कर लेता हूँ। वैसे दिक्कत क्या आ रही है? जल्दी चेक करो। ये अल्ट्रासाउंड किस चीज का है भाई? पथरी का है, पथरी का दर्द उठ रहा है मेरे। अबे तू फिर आ गया, तो क्या हुआ जो गई? अरे मुझे ना दिए किसी ने भी पैसे, यार दूसरी कंपनी में बात कर लिया, एक महीना फ्री चलेगा। सही में? और तो बड़ा चला गया यार। आपके दूसरी में करिए फिर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं इनकी रिपोर्ट देख लेता हूँ। क्या देख रहे हो मैं? 50 किलो की पथरी। डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा बता दी तुमने। क्यों 50 किलो की ना बता सकता क्या? 50 पत्तन की तो सारी है। चल तो मैं हैंडल कर लूंगा। 50 किलो की? आज तक ऐसा कोई मरीज ना आया। देख रही है? ये जो निशान है पूरा निशान है, पथरी है। इतनी बड़ी पथरी? मैं तो सोच रही हूँ 50 किलो की पथरी। देखो जी ऑपरेशन अभी करा लो, अगर ये पथरी फट गई ना तो डंपर आ जाएंगे हम रोड बनवाने के लिए। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं तो मरी जा रही हूँ दर्द के मारे। अरे ऑपरेशन तो हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मगर तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। 50,000? डॉक्टर साहब 50,000 ज्यादा नहीं हो रहे? अरे ज्यादा नहीं है, पथरी भी तो 50 किलो की है, हम 1,000 रुपए किलो के हिसाब से निकालते। कहाँ से आए डॉक्टर, घुसले की डिग्री दी है क्या?
कुछ बात कर रही हो क्या? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ ठीक है, मैं 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो, मरी जा रही हूँ मैं दर्द के लिए। चलो ठीक है, इसके लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसके 5,000 रुपए अलग से लगाएंगे। अरे ज्यादा मत सोचो, जब 50,000 देने तैयार हो तो 5,000 और से लाओ, लाओ दिखाओ। बिल्कुल टेंशन मत लिए, बहुत बड़ा पोचा हुआ डॉक्टर हूँ मैं। लो हो गया काम, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या देख रहे हो डॉक्टर साहब? यार भाई बेहोश रही हूँ, इंजेक्शन लगा दिया मैंने, डेट निकल गई क्या इंजेक्शन की? चलो फिर ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर साहब ऐसी ऑपरेशन करोगे? सुन तो कर दो, दर्द बहुत है। सुन कर लो, तेरा दिमाग खराब है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, ये दो जो तेरे टिपर चल रहे हैं टिपर, ये अभी बंद हो जाएंगे, चल अंदर। पर डॉक्टर साहब लगाया कहाँ है, दवाई तो मेरे हाथ में है। दवाई? दवाई तेरे हाथ में? बाँव लीक है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, बाँव मेरी लीक नहीं है, आपकी इंजेक्शन की सुई साइड में निकल गई थी, खामोखा दवाई नीचे बिखर जाती, मैंने हाथ में ले ली, और वैसे भी आपने 5,000 का इंजेक्शन बताया। अभी मैंने तुझसे कितनी बार कह दी, इसका नंबर थोड़ा गलत हो रहा, दूसरा कर बगला। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस दवाई को दोबारा भर लेता हूँ और लगा देता हूँ। हाँ मैंने इसलिए व्यस्त नहीं होने दी क्योंकि 5,000 का इंजेक्शन बताया था ना आपने। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, और एक काम करो तुम, अब ये तुम्हारा यहाँ नहीं लगेगा, तुम्हारे पिछवाड़े पे लगाऊंगा, मतलब कूले पे, कूले पे। अंदर ले चलो भाई, चलो चलो। पता ना कैसा ऑपरेशन करेगा ये डॉक्टर। चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आपके एकदम सही हो जाएगा काम। एक काम करो, तुम पजामे उतार लो। पजामे उतार लो? अरे मेरा मतलब थोड़ा नीचे कर लो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे लगा दो। ऐसे लगा दो? खैर तुम्हारी मर्जी है, हम तो ऐसे भी लगा देंगे, दर्द तुम्हारा ही होगा, देख लियो। डॉक्टर साहब सही से लगाना इंजेक्शन, क्या पता दवाई कहीं और पहुंच जाए। लड़की है वो, उल्टी सीधी बात कर जा। चश्मा तो उतार लो। अरे इसके नंबर कम हो गए। हाँ हाँ बात तो ठीक है। हाँ यार आप दिखाई दिया सबको सही। लो लगा दो। रुक ले एक मिनट। डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, अच्छी खांसी थी, मैं आधा पेट फाड़ दिया तुमने। अरे जब पथरी बड़ी इतनी थी तो मैं क्या करता, वैसे बताओ अब पहले से सुकून है? डबल दर्द है डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा दर्द तो इंजेक्शन में हो रहा है। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2-3 टैबलेट दे दूंगा, बिल्कुल फिट हो जाओगी तुम। लो ये 2 टैबलेट सुबह शाम खा लेना। मुझे तो लग रहा है इंजेक्शन का जहर फैल गया। जहर फैल गया? अच्छा तो वो एक काम करो तुम, जहां पे इंजेक्शन लगाना वो जगह चूसनी पड़ेगी। अरे मेरा मतलब जैसे नागिन काट लिया तो वो चूस कर निकलते हैं जहर को। नहीं नहीं रहने दो, पर डॉक्टर साहब कम से कम पथरी तो दे दो, मैं घर वालों को दिखा दूंगी। हाँ ये बात तो सही है, पथरी दे देता हूँ। ओ वैसे लेके काय में जाओगी पथरी को? लेके काय में जाऊंगी डॉक्टर साहब, पुड़िया में बांध के दे दो। पुड़िया में बांध के दे दो? तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे बैटरी रिक्शा मंगाना पड़ेगा। बैटरी रिक्शा? डॉक्टर साहब पथरी निकाली है ये पहाड़। हाँ अभी दिखाता हूँ। अरे पथरी लेकर आइए जरा मैम साहब की। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। तो डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? इतनी बड़ी पथरी मेरे निकली है? हाँ तुम्हारे निकली है, और हाँ भाई वजन कितना है इसमें? इसमें वजन है 45 किलो 300 ग्राम। 45 किलो 300 ग्राम। चल एक काम कर, बैटरी से ले गया उसमें रखी से, वजन लग रहा होगा लंडे को। ठीक है जा रही हूँ। अब सोच के रही हो, 50,000 रुपये दो। 50,000 क्यों डॉक्टर साहब? आपने बोला था 1,000 रुपये किलो निकालता हूँ, इस हिसाब से तो 45,000 रुपये हुए। अरे हाँ 45,000 और 5,000 इंजेक्शन के। हाँ अब तो तुम्हें पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे।
पर डॉक्टर साहब 10,000 कम दूंगी, थोड़ी बहुत तो छूट करोगे? क्या छूट करवाओगी, एक काम करो अब पूरे 50,000 रुपए दे दो, जब अगली बार ऑपरेशन कराओगी तो 10,000 की छूट कर दूंगा। अगली बार? एक बार और होगा क्या ऑपरेशन? अरे परेशानी तो आती रहे, मैं क्या पता एक आध बार और हो जाओ ऑपरेशन। कम से कम 500 रुपए तो दे दो, रिक्शे वाले को भी देने, पथरी बहुत बड़ी है, लेके जानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा चलो खैर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ये लो 500 रुपए। और हाँ तुम्हारे महल्ले में कोई भी मरीज हो तो मेरे पास भेजना, कितना अच्छी तरीके से ऑपरेशन कराया मैंने, कोई दिक्कत हुई है? नहीं दिक्कत तो नहीं हुई। जाओ अब जाओ आराम से आराम करो, और एक दो दिन बाद दिखा देना हालत, मैं एक टांगे काट दूंगा। पर डॉक्टर साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, आपने टांके भरे हैं या कढ़ाई करी है? ठीक है तो मैं चलती हूँ।